किसानों के खाते में 6,000 के बदले। अब आएंगे 10,000 रुपए। बस करना होगा ये काम। इंडिया गांव का देश माना जाता है। भारत के गांव में ज्यादातर लोगों की जीविका खेती से चलती है। कई बार किसानों पर नेचर की मार पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी फसल तबाह हो जाती है। इन परेशानियों को देखते हुए राज्य और केंद्र सरकारें उनकी मदद के लिए कई योजनाएं लाती रहती हैं। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ किसानों को मिल भी रहा है। गौरतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिए किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से आते हैं। ये योजना पूरे देश के किसानों के लिए है। इसी योजना की तरह भारत के एक राज्य सरकार ने ऐसी योजना शुरू की है, जिसके तहत उस राज्य के किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आने वाले 6,000 रुपए तो आएंगे ही, साथ ही साथ 4,000 रुपए और भी सालाना खाते में आएंगे। इस नई योजना की शुरुआत की है मध्य प्रदेश की सरकार ने और इसका नाम है किसान कल्याण योजना। इस योजना के तहत राज्य सरकार हर साल किसानों को उनके कल्याण के लिए 10,000 रुपए देगी, जिसके मुताबिक उस राज्य के किसानों के खाते में सालाना 6,000 के बजाय 10,000 रुपए आएंगे। यानी 6,000 रुपए जो हर साल पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिले थे वो तो मिलेंगे ही, इसके साथ साथ 4,000 रुपए और किसानों को मिलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2020 में ही की थी, लेकिन उस वक्त केवल 4,000 रुपए 2,000 की किस्तों में आते थे। लेकिन यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि इस योजना का लाभ पूरे देश के किसानों के लिए नहीं, बल्कि केवल मध्य प्रदेश के किसानों को ही मिलेगा। लेकिन इसमें भी एक नियम जानना जरूरी है, जिसके तहत इस योजना का लाभ MP के सभी किसानों को नहीं मिलने वाला है। यहाँ जान ले कि किसान कल्याण योजना का लाभ MP के केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। इतना ही नहीं, MP के जिन किसानों के खाते में किसी भी तकनीकी समस्या की वजह से PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसा नहीं आया है, ऐसे किसानों के खातों में भी किसान कल्याण योजना का पैसा नहीं आएगा। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लागू किसान कल्याण योजना के तहत 10,000 रुपए आएंगे, जिसकी वजह से उनको और भी राहत मिलेगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।